जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सफर। अभी तक हमने देखा कि हम लोग कोची के एर्नाकुलम पहुंचे थे। कोची में हम लोगों ने देखा फोर्ट कोची बीच। सोचा तो ये था कि हम लोग पहले कोची को एक्सप्लोर करेंगे, बट फिर डिसाइड हुआ कि हम लोग पहले जाएंगे मुन्नार, और मुन्नार का सफर होने वाला है बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि कोची से मुन्नार के जो रास्ते हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही मनमोहक हैं, जो आपका दिल मोह लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मुन्नार जाने का एक रास्ता अतिरापल्ली वाटरफॉल से होकर जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक स्कूटी हायर की है जो 900 रुपये पर डे में मुझे मिली है, उसी से हम लोग मुन्नार जा रहे हैं। मुन्नार जाते वक्त जब आप त्रिशूरा नाम के जिले से होकर गुजरते हैं, वहां आपको दिखाई देती है चलाकुड़ी नदी। ये नदी आपको शुरू में तो बहुत ही सहजता से बहती हुई दिखाई देगी, लेकिन जब अथिरापल्ली जलप्रपात पर पहुंचेंगे तो इसका रौद्र रूप आपको देखने को मिलता है। कोची से अथिरापल्ली वाटरफॉल की दूरी 60 किलोमीटर की है और रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं। और लीजिए, हम पहुंच गए हैं अथिरा फॉल के टिकट काउंटर पर। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, एडल्ट की टिकट 50 रुपए की है, 5 से 12 साल के लिए 10 रुपए की टिकट है, फॉरनर्स के लिए 200 और स्टूडेंट्स के लिए मात्र 15 रुपए की टिकट है। और अगर पार्किंग की बात की जाए तो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए 10 रुपए की पार्किंग है, और 4 व्हीलर की पार्किंग आपको यहाँ 30 रुपये से लेकर 80 रुपये के बीच में देनी होती है। और अगर आप यहाँ पर कैमरा या वीडियो कैमरा लेकर जा रहे हैं तो उसके चार्जेस भी आपको पे करने होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे वाटरफॉल की तरफ। टिकट काउंटर से वाटरफॉल की दूरी 400 से 500 मीटर है, जो आपको पैदल चलकर जाना होता है। अथिरापल्ली वाटरफॉल पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है, और रास्ते में आपको कुछ छोटी मोटी दुकानें भी मिल जाएंगी। और लीजिए, हम पहुंच चुके हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल। पहले जरा इसकी खूबसूरती देख लेते हैं। अथिरापल्ली वाटरफॉल केरल का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई लगभग 81 फीट और चौड़ाई 330 फीट की है। लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि यह झरना भारत के नायग्रा फॉल्स के खिताब का हकदार भी है। इसके अलावा आपने इस झरने को बहुत सी फिल्मों और गानों में देखा होगा, जैसे कि गुरु मूवी का ये गाना। इसके अलावा ये झरना आपको बाहुबली मूवी में भी दिखाई दिया होगा, जहां पर बाहुबली मूवी का ये सीन शूट हुआ है। अगर आप मानसून में इस झरने को देखने जाते हैं तो इसका कुछ ऐसा ही रूप आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा हाल ही में रिलीज हुई ब्रह्मा युगम मूवी में भी इस झरने की झलक आपको देखने को मिलती है। इस झरने की खूबसूरती को देखकर आप यहाँ खुद को आने से रोक नहीं पाएंगे, ये इतना खूबसूरत है। अथिरापल्ली वाटरफॉल सोलायर फॉरेस्ट रिजर्व के अंतर्गत आता है, और यहाँ पहुँचने से पहले आपको एक छोटी सी चेक पोस्ट भी मिलती है, जहाँ कुछ बेसिक क्वेश्चन करने के बाद आपको आगे भेज दिया जाता है। अथिरापल्ली वाटरफॉल से बाहर आने पर आपको एक छोटा सा मार्केट दिखाई देता है, जहाँ पर हमने लंच किया। इसके अलावा आप यहाँ पर छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं, हैंडबैग वगैरह की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम मुन्नार की तरफ। अथिरापल्ली वाटरफॉल से मुन्नार की दूरी 127 किलोमीटर के लगभग है। अथिरापल्ली से मुन्नार जाने के दो रास्ते हैं। ये जो जंगल वाला रास्ता है ये कुछ किलोमीटर छोटा पड़ता है मेन रास्ते से, और यहाँ पर ट्रैफिक भी आपको कम मिलता है। मुन्नार। मुन्नार दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपने चाय के बागानों और प्राकृतिक सुंदरता के कारण प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। लाखों की संख्या में यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं।
यहाँ घूमने का सही समय तो अक्टूबर से मार्च तक के लिए है, लेकिन गर्मियों में भी आपको यहाँ काफी पर्यटक देखने को मिल जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि केरल भारत के सबसे अच्छे राज्यों में से एक है, जिसका कारण है कि केरल मानव विकास में सहायता के मामले में भारत के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक है। न्याय का वितरण, सामाजिक सुरक्षा, आवश्यक बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी, यानी 4 हवाई अड्डे, 2 प्रमुख बंदरगाह, 17 छोटे बंदरगाह, 2 ICT टर्मिनल, 11 राजमार्ग और रेलवे, ये सब मिलकर केरल को एक अच्छा राज्य बनाते हैं। मुन्नार जाते समय हमें एक ये वाटरफॉल दिखाई दिया, बट अभी इसमें पानी नहीं था, शायद मॉनसून में आपको ये बहता हुआ नजर आए। और लीजिए, बातें करते करते हम पहुंच गए हैं मुन्नार, जहां से आपको चारों तरफ सिर्फ चाय के बागान दिखाई दें, समझ जाइए वही मुन्नार है। मुन्नार कई कारणों से लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। सबसे पहले इसकी लुभावनी दृश्यावली और सुरम्य परिदृश्य इसे आराम करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र कई चाय के बागानों का घर है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मुन्नार में आपको तरह तरह के चाय के बागान मिल जाएंगे और ऊंची नीची पहाड़ियों पर दूर दूर तक फैली हुई हरियाली, जो आपका मन मोह लेंगी। मुन्नार अपने सवाना के जंगलों, घुमावदार रास्तों, सुंदर घाटियों, असंख्य नदियों, विशाल झरनों और विशाल चाय के बागानों के लिए फेमस है। आप देखिए, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ चाय के बागान ही दिखाई देंगे। मुन्नार में रुकने के लिए जिस रिजॉर्ट में मैंने अपना रूम लिया है उसका नाम है स्पाइस जंगल रिजॉर्ट, और अगर आप यहाँ अपने व्हीकल से भी आ रहे हैं तो भी आपको यहाँ पार्किंग की परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसका जो रास्ता है वो काफ़ी ढलान वाला है, तो अगर आप टू व्हीलर से आ रहे हैं तो दो लोग बैठकर उसको ऊपर चढ़ा ही नहीं सकते, एक बंदे को पैदल आना होता है और एक ही टू व्हीलर लेकर आता है। और ये है इनका रिसेप्शन एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप रूम देख लेते हैं कि रूम कैसा मिला है। एंटर करने पर आपको सामने ही डबल बेड दिखाई देगा, साइड में आपको टीवी, टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपको टॉवल मिल रहे हैं, साइड टेबल है, टेलीफोन है, और बाहर की तरफ देखें तो एक बालकनी भी है। आइए बालकनी से देखते हैं कि कैसा नजारा है बाहर का। जहां तक भी आप देखेंगे दूर दूर तक आपको हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। अगर इस रूम की बात करें तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको 3 खिड़कियां नजर आएंगी, जहां से आप बाहर के नज़ारे देख सकते हैं, और खिड़कियां होने की वजह से आपको रोशनी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको लाइट ही जलानी पड़े तभी आपके कमरे में रोशनी आएगी। बात कर लेते हैं हम वॉशरूम की, तो चलिए वॉशरूम देख लेते हैं कि कैसा है। वॉशरूम में आपको वही बेसिक फैसिलिटी मिल रही है जो आपको एक होटल रूम में मिलती है, नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। अब बात करते हैं कि ये रूम मैंने कितने में बुक किया है, तो ये रूम मुझे 2500 रुपये पर नाइट में मिला है। इस रूम को बुक करने के लिए आप मेक माई ट्रिप, ईजी ट्रिप, अगोड़ा वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। बहुत सारा सर्च करने के बाद मैंने इस रिजॉर्ट में अपना रूम बुक कराया, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी एंगल से देख लीजिए आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही नज़र आएगी। चलिए अब रूम के अलावा देख लेते हैं कि रिजॉर्ट में और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हमें दिखाई दिया स्विमिंग पूल। आपको इस रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल की सुविधा भी मिल रही है,
जो बड़े वाला एरिया है वो बड़ों के लिए है, और जो ये रेलिंग लगी हुई है यहाँ पर आपके बच्चे स्विमिंग पूल में एंजॉय कर सकते हैं। रिजॉर्ट में मिलने वाली सुविधाओं की लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा भी रिजॉर्ट वाले कुछ अरेंजमेंट करा सकते हैं, जो लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अब टाइम हो चला था डिनर का, तो हम बड़े रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट की तरफ। रेस्टोरेंट तक जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। दोनों तरफ आपको हरे भरे पौधे नजर आएंगे, लाइटिंग लगी हुई है, रास्ता वाकई में बहुत ही सुंदर है जो आपको रेस्टोरेंट तक लेकर जाता है। चलिए बढ़ते हैं रेस्टोरेंट की तरफ, और ये है यहाँ का रेस्टोरेंट। ये है प्रॉपर इनका सिटिंग एरिया जहाँ पर आप डिनर लंच ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इस रिजॉर्ट में आपको बांस के पेड़ भी देखने को मिल जाते हैं, जिन पर लोगों ने तरह तरह की अपने नाम लिखकर नक्काशी की हुई है। सामने आपको काफी सारा एरिया खुला मिलता है जो रिसेप्शन के बराबर में ही है। यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी जो मैंने भी पहली बार ही देखी है, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं। ये है अंजीर का पेड़, और इस पर लगे हुए हैं अंजीर जो कि अभी बिल्कुल ग्रीन है, शायद पके नहीं है। तो जिस तरह आज के दिन का विराम हो गया, उसी तरह इस वीडियो को भी यही विराम देते हैं। कल एक नए दिन के साथ एक नई वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।